जय हिंद साथियों, आज हम आपसे एक विशेष टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक भाई साहब क्या आगे चल के बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला है, इसलिए हम इसमें अच्छी तरीके जानकारी लेंगे और आपको एक लीड आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। पहले साथी, हमारा टॉपिक आज का है कि क्या है पूजा स्थल का कानून, और भाई साहब जिसके शुरू होने से काशी और मथुरा के जो मंदिर है भाई साहब, इसका भाई साहब क्या कानून लड़ाई शुरू हो जाएगा। पहले साथियों, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको एक लीड आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि क्या है पूजा स्थल का कानून और इसके पीछे रणनीति क्या है और क्या सारी बातें भाई साहब का निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, हम अच्छे तरीके जानकारी लेते हैं। प्यारे साथियों देखिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब पूजा स्थल का कानून क्या है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि 1991 में प्यारे साथियों एक कानून एक एक्ट पारित किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें कहा गया कि 1947 से जितने भी पहले जो मतलब प्रकार से पूजा स्थल हो या फिर मस्जिद हो या फिर मंदिर हो प्यारे साथियों, जिनका उस पर हक है वह उन्हीं का माना जाएगा। क्या जिनका भाई साहब उनके उस पर हक है वह उन्हीं का माना जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई साहब पारित हुआ 1991 में पैसा थी, लेकिन अब क्या निकल कर, मतलब अब क्यों न्यूज निकल कर आए थे। प्यार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्यार साथियों एक है अनिल कुमार उपाध्याय के पैर साथी हुए हैं, और उन्होंने भाई साहब क्या 31 अक्टूबर 2020 को क्या भाई साहब 31 अक्टूबर 2020 को भाई साहब याचिका दायर किया था। और उन्होंने कहा अपने याचिका में कि 1991 जो एक्ट पारित हुआ था वह बिल्कुल सरासर गलत है और हमारे जो स्वतंत्रता अधिकार है भाई साहब क्या उसको पूरी तरीके से हनन करता है। देखिए मैं उनको दिखाना चाहूँगा, अगर आप उसको उनको देख पाते हो तो अच्छी बात है। देखिए ये भाई साहब क्या है, अनिल कुमार जो अवस्थी हैं भाई साहब यही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट भाई साहब याचिका दायर किया है और कहा है उसमें कि 1991 में जो भाई साहब क्या जो एक्ट पारित हुआ था उसमें हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है पूरी तरीके से हनन करता था। प्यारे साथियों, आपके दिमाग में आता होगा कि ये एक्ट बनाने की मजबूरी क्या पड़ी और भाई साहब ये एक्ट बनाया क्या गया, तो उसके पीछे ध्यान दीजिएगा। देखिए पे यहाँ पे देखिए वर्ड डिस्प्लेस, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब क्या है 1991 का एक्ट। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, देखिए पी वी नरसिम्हा राव जो है, देखिए अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ प्यारे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा जो पी वी नरसिम्हा राव है प्यारे साथियों, ये हमारे क्या हमारे देश के भाई साहब क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री थे कब से, तो फिर ध्यान दीजिएगा ये जून 21 से 1921 से भाई साहब क्या 16 मई 1996 तक भाई साहब क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। प्यारे साथियों अगर आपको पता होगा तो 1991 में जो राम मंदिर का मसला था, जो आंदोलन था प्यारे साथियों, वो बहुत ही उग्र हो गया और लोगों ने इतना प्रश्न विवाद कर दिया उसमें, जो इस समय प्यारे साथियों क्या उस समय की क्या थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक एक्ट लाया, उस एक्ट में कहा गया कि जितने भी धार्मिक स्थल हों, चाहे वो प्यारे साथियों मंदिर हो या फिर आपका चर्च हो, जिनका भाई साहब क्या जो 1947 यानी कि प्रश्न कह सकते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले क्या भाई साहब देश आज़ाद होने से पहले तक जिनका भाई साहब इस पे हक था वह इनके बाद भी रहेगा। यानी कि कहने का इनका मतलब था कि आगे चल के भविष्य में इस प्रकार से कोई घटना ना घटे, इसलिए उन्होंने भाई साहब क्या एक्ट पारित किया। अब आपके दिमाग में आता हो कि भाई हमें बताइएगा कि वह एक्ट क्या है, तो प्यार साथियों ध्यान दीजिएगा, वह एक्ट हमारा ये था कि जिसमें 1991 जो एक्ट भाई साहब पारित हुआ था उसमें यह नियम था कि अगर कोई भी धर्म स्थल हो 1947 से पहले अगर किसी ने फिर कब्जा किया, बड़े जबरदस्ती कब्जा किया हो, तो भाई साहब उस पर क्या उसको प्यार साथियों उसी का माना जाएगा। यानी कि दूसरा व्यक्ति अगर दावा कर रहा है तो भाई साहब उसका नहीं माना जाएगा, जिसने कब्जा किया था पहले से उसी का प्यार साथियों माना जाएगा। अब देखिए जो आपके अनिल कुमार उपाध्याय जी हैं उन्होंने किस प्रकार से याचिका दायर की है और चुनौती किस आधार पर दिया है, तो देखिए पहला प्यार साथियों यहाँ पे क्या गया है कि न्याय के उपाय में बाधा। देखिए पहला यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो भाई साहब क्या न्याय के उपाय में बाधा, उसके बाद कटाप तिथि प्यापात्री प्यासनिक प्रकार की इन्होंने अपना आधार बनाया हुआ है, और देखिए छूट का मुद्रा। देखिए छूट का मुद्रा मतलब समझ पाइएगा कि राम मंदिर को भाई साहब क्या इससे बाहर रखा था, इस जो एक्ट आया था इससे बाहर रखा गया था। यानी कि कहने का हमारा मतलब है कि उसमें कहा गया था कि 1947 क्या पैर साथियों अगर समझ पा रहे होंगे आप, तो 1947 से भाई साहब जितने भी धर्म स्थल पहले हैं जिन्होंने कब्जा किया था वह उन्हीं के बाद से भाई उनका माना जाएगा, लेकिन राम मंदिर को भाई साहब छोड़ के। तो उन्होंने जो आपके अनिल कुमार उपाध्याय जी ने उन्होंने कहा कि हमें ये बताइएगा कि राम मंदिर को आप बाहर क्यों रह रहे हैं, जब इतना आर्टिकल इतना आपका परफेक्ट इतना मजबूत है तो आप राम मंदिर के प्यार साथियों उससे बाहर क्यों रह रहे हैं। तो इस मुद्दे पर उन्होंने अपना प्यार साथियों याचिका दायर की है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ तथ्य रखते हैं आपको, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्यारे साथियों यहाँ पे अनिल कुमार उपाध्याय जी ने कहा है कि जो आपका
प्यार साथियों आर्टिकल 25 से वो कहता है कि हम किसी भी समाज या किसी भी धर्म को अच्छी तरीके से मानते हैं प्यार साथियों, और वही हमारा धर्म है। लेकिन उनका कहना है कि मान लीजिए हम मानते थे कि हमारा यहाँ पे मंदिर था और वहाँ पे मंदिर बनाया गया है, तो भाई साहब क्या हम एक प्रकार से जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है इसका एक प्रकार से प्यार साथियों हनन हो रहा है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें उन्होंने कही है। यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो देखिए राम मंदिर का भाई जो मसला था वह इस एक्ट से बाहर रखा गया था। तो उनका मेन मुद्दा यही है कि जब आप उस एक्ट से भाई साहब राम मंदिर को बाहर रख सकते हैं तो अनेक प्रकार के जो यहाँ पे काशी का हो गया या फिर जो मथुरा का भाई साहब क्या आपका जो विवाद हो रहा है उसको भी आप बाहर रख सकते हैं। उनका कहने का साफ मतलब है कि जो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा भाई साहब ये है तो कहने का उनका मतलब कि मान लीजिए हमारा यहाँ मंदिर था तो हम उसके याचिका दायर करें अपना केस लड़े जीते आ रहे तो बात की बात है। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और देखिए अयोध्या मामले में भाई साहब क्या जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने टिप्पणी की थी और टिप्पणी क्या की थी देखिए उन्होंने कहा था अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो उन्होंने कहा था कि सांसद के निर्धारित किया गया था कि सांसद की जो स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं प्यारे साथियों इसे विश्वास दिलाता है कि अतीत में अन्य प्रकार से ठीक करने के लिए संवैधानिक आधार पर प्रस्तुत करती है, उन्हें धार्मिक असलों में संरक्षित किया जाएगा और उनसे चरित्र और परिवर्तन नहीं होगा। कहने का साफ मतलब था कि 1947 से पहले जितने भी धर्मस्थल थे अगर जैसे भाई साहब मुस्लिम का कब्जा है या हिंदू का कब्जा है तो का माना जाएगा। तो यह एक्ट हमारे सोचते ही बहुत ही खराब है बट आगे देखिए इससे बहुत बड़ा प्यार साथियों हंगामा होगा। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए अगर मैं बताना चाहूँ प्यार साथियों इससे विवाद का पैदा होगा तो देखिए विवाद पैदा इस समय आप चल रहे होंगे कि काशी में भाई साहब क्या आपको पता होगा काशी विश्वनाथ जो मंदिर है मैं आपको अगर दिखा पा रहा हूँ प्यार देखिए अगर देख पा रहा हूँ काशी विश्वनाथ जो मंदिर है भाई साहब और यहाँ पे देखिए आप ज्ञान मस्जिद जो है मस्जिद देखिए दोनों बगल में है। अब यहाँ के जो मंदिर का कहना है कि जो यह मस्जिद बनाई गई थी ये हमारे भाई साहब मंदिर पर ही बनाई गई है। तो अगर ये भाई साहब एक्ट हट जाता है तो अनेक प्रकार की मस्जिद का भाई साहब का विवाद बढ़ जाएगा। तो देखिए आगे होता है देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आप गंगा बहती है और देखिए इस प्रकार आपका यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे मस्जिद है तो दोनों का विवाद मतलब अच्छा खासा बढ़ सकता है और आगे जाके बहुत ही सारी समस्याएं हमको झेलना पड़ सकता है। और देखिए इसी प्रकार आपका एक और देख रहे होंगे जो क्या सत्य मथुरा में है कि जो कृष्ण भाई साहब कृष्ण की जन्मगृह माना गया है और देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देखिए अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो देखिए ये आपको मंदिर दिख रहा है और एक गली के बगल में भाई साहब यहाँ पे देखिए मंजिल जो मस्जिद है वो दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब मंदिर के बगल में मस्जिद है इसलिए जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर बनाया गया है। तो इस प्रकार से अगर वह एक्ट हटता है प्यार साथियों तो अनेक प्रकार के भाई साहब क्या विवाद उत्पन्न होंगे हमारे देश में और कई सारे भाई साहब आंदोलन होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या कदम उठाती है और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है क्या इस पर राय रखती है वो तो आगे निकल आपको जो इशू है अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। आई होप कि आपको पूरा इशू अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अगर आपको एक लाइन समझा तो एक्ट का यह कहना था कि 1947 से पहले जितने भी धर्मस्थल थे जिनका कब्जा है वह उन्हीं का रहेगा लेकिन यह सरासर गलत है। यह हमारे किसके अनिल कुमार अवासी का कहना। अब देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट क्या इफ्तरा देता है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो हर दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए छोटों से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद जय भारत।